ठीक है ना भाई, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको बता रहा हूं कि ये जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था ये दिया था आपको, और इसमें से 1/x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, एलसीएम लें और उसके बाद सॉल्व कर लें, आराम से आ जाएगा आपको क्वेश्चन, और बहुत सारे लोगों का आ भी चुका है। सो दैट इज नॉट, यस आई नो शौर्य, यस आई नो, मैंने बोला भी था कि कुछ लोगों ने तो उसे क्लास में ही कर दिया था, दैट्स रियली ग्रेट। तो चलिए जी, हमने लास्ट टाइम शुरू किया था कि सॉल्विंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे हम आए थे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आईसीएसई बोर्ड में इस वे में क्वेश्चन नहीं आएगा कि देन यू कैन सॉल्व इट बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सॉल्व दिस बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या मेकिंग दी या कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ऑलराइट, सो कोई बात नहीं, कुछ एक दो क्वेश्चन लिए थे और थोड़ा सा आप कुछ लोगों को लगा था कि ये क्या हो रहा है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है 2x² -5x +3 = 0 बाई कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन मैं खुद ही कर देता हूं, फिर आप लोग करिएगा, बाई कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर -5/2x +3/2, ये हमारी सिचुएशन बन गई। अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की चीज बनानी है, तो उसके लिए हमें 2ab चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसी की ऐसी है। और उसके बाद चलिए मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख देता हूं, ऑल्दो मैं सीधे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये हमने किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2ab जैसा कुछ बन जाए। अब हमारे पास 2, अब देखिए ये तो इसको आप ए एज्यूम कर ले, तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां पे ए है, ये 2 भी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो चीज हो गई आपकी, बाकी का बचा हुआ वो आपका बी हो गया। ठीक, तो अब आपको चाहिए बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस ये बन गया आपका 2 एंड ये हो गया 5/4x, राइट। सो ये हो गया 2a एंड b, सो वी नीड बी स्क्वायर। सो 5/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन दी हम इक्वेशन दैट वी हैड, सो इमीडिएटली उसका इंपैक्ट हमने 0 कर दिया, माइनस भी कर दिया साथ के साथ, और 3/2, ओ सॉरी 3/2 पहले से लिखा हुआ था वो हमने रखा हुआ है पहले ही। अब इन तीनों टर्म को देखे तो ये बन गई हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स -5/4 होल स्क्वायर, और बाकी की ये जो दो टर्म बची इनको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये बनेगा 25/16 -3/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 आ गया आपका एलसीएम -24, सो दिस बिकम्स एक्स -5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो दिस बिकम्स +-1/4। नाउ एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, सो दिस विल लुक लाइक एक्स इज इक्वल टू 5/4 +1/4,
और एक बार 5 बाई फोर और ये एक बार नेगेटिव साइन माइनस 1 बाई फोर. सो एक्स इज इक्वल टू दिस बिकम्स 6 बाई फोर एंड दिस बिकम्स 4 बाई फोर. सो एक्स इज इक्वल टू 3 बाई टू और एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये आपका आंसर आ गया जी. बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेज रखे हैं. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है रोहन. 3 बाई टू ये माइनस हाफ वाला. ओके, देव यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड राइट. चलिए, आई एम श्योर नाउ दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू. अब आप कर सकते हैं आराम से. ठीक है, तो डन रिश्ता, वेरी गुड, दैट्स गुड. सो एक और जल्दी से ये सॉल्व करके दिखाइए. 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको करिए आप लोग एक बार. अच्छा, इसका आंसर थोड़ा सा अलग सा आएगा तो आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं. इसका आंसर आएगा 3 प्लस दिस एंड 3 माइनस रूट 19 बाई 5. अगर ये आंसर आ रहा है तो आपने ठीक किया, क्योंकि अगर आप ये टाइप करने बैठेंगे तो मुश्किल लगेगी थोड़ी सी. ठीक है, लेट्स सी. शौर्य, यही आंसर आया. शैलेश जी नमस्ते, बताइए यही आंसर आया आपका. अगर ये आया तो ठीक है, नहीं तो यू कैन चेक. यस शौर्य, गुड, दैट्स राइट, दैट्स कूल. अब मुझे बता दीजिए किस किस का आंसर आ गया. अर्नव का भी आ गया, अर्नव गर्ग, गुड. रोहन, गुड. अनिरुद्ध, वेरी गुड. सर सेम आ गया, यस. गुरशीष, गुड. देव, वाओ. सो मोस्ट ऑफ यू. अच्छा, आप एक बार बता दो, जिसका नहीं आ रहा वो मुझे बता दो ताकि मैं आपको सॉल्व करा सकूं. अगर सबका ही आ गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, है ना. किसी का नहीं आया वो मुझे बताओ, और आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं फटाफट. गुड दिव्यांशी, शैलेश एंड मनन, ओके फाइन. चलिए, मेथड फिर से फिक्स्ड है. हमने क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है. तो जिन लोगों का आ गया वो थोड़ा सा भाई पेशेंस रखें. ठीक है, माइनस 6y बाई एक्स माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू 0. इसके बाद हमें 2ab की टर्म चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. और इनफैक्ट इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे तो आपके पास ऑलरेडी एक 2 है, यहां से निकल सकता है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 5 इन टू एक्स, यानी कि ये जो चीज हो गई ये आपकी b हो गई. तो हम b स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और हाथ के हाथ b स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और ये माइनस 2 बाई 5 ऑलरेडी है आपके पास. ओके राइट, जिसका आ गया. तो अब ये आपके पास सिचुएशन क्या बन गई, x माइनस 3 बाई 5 होल स्क्वायर्ड, और ये सब उधर हो गए 9 बाई 25 विच वी जस्ट क्लोज माय नेट ऑन फोन. ओके, सो दिस बिकम्स 9 बाई 25 एंड दिस बिकम्स 2 बाई 5. वी कैन एड दिस 25, सो दिस बिकम्स 9 एंड दिस बिकम्स 4, सो वी हैव 13 बाई 25 कुछ. ओ नहीं, यहां पे 5 5 ये 10 आएगा, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, दिस इज 19 बाई 25. सो नाउ वी आर टेकिंग दिस स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी x माइनस 3 बाई 5 एंड दिस विल बी रूट 19 ओवर 5. ऑल राइट, नाउ यू कैन सी दैट योर आंसर इज x इज इक्वल टू 3 बाई 5 प्लस माइनस रूट 19 बाई 5. और यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस, सो
एक बार आपका प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो ऑब्वियसली दो रूट्स आ गए और यही हमने यूज किए थे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके जी, रक्षिता जी, अब अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो सॉल्व कर दिया, बता दो मुझे. गॉट इट उन्नति, यस. ओके पूर्णिमा जी, वेरी गुड. नो रक्षिता, देख भाई जल्दी से देख ले फिर. अब ये हमारा क्वेश्चन था, हमें 2ab चाहिए, तो यहां पे एक 2 ऑलरेडी हिडन है, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 3/5 लिख दिया. अब 2a ये रहा, तो बाकी का जो बचा वो हो गया b. दिस बिकम्स माय b. b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर ऐड कर दिया और हाथ क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों का इंपैक्ट निल है और ये माइनस 2/5 पहले से ही था. तो ये तीनों टर्म जो पहले वाली थी ये बन गई x माइनस 3/5 होल स्क्वायर, और ये उधर गया 9/25 और ये प्लस 2/5. तो ये इसको सॉल्व किया तो ये 10 आ गया और ये हो गया 19/25. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 3/5 और ये हो गया रूट प्लस माइनस रूट 19/5. तो x इज इक्वल टू 3/5 इधर भेज दिया तो ये बन गया 5, दोनों में एलसीएम है तो 3 प्लस माइनस रूट 19. एक बार आप प्लस साइन लेके लिख दो आंसर और एक बार आप माइनस साइन लेके आंसर लिख दो. सो दिस इज हाउ इट इज डन. अभी आ गया समझ में? ओके रक्षिता जी. नो पूर्णिमा, कोई चेंज नहीं आएगा बेटे, वो बाद में कैंसिल होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2/2 से भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, आंसर वही आने वाला है, वो आपस में बस कैंसिल हो जाएंगे बाद में. चलिए जी, अब अच्छा चलिए एक क्वेश्चन ये करते हैं. फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. अच्छा, जो आईसीएससी वाले जो लोग हैं, अगर वो ये सोच रहे हो कि हमारे काम की चीज नहीं है, तो वो गलत फहमी में है. भले ही आपके स्कूल में ना आए, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे और अगर आपने भूल से मैथ्स ली, तो ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. आपको शुरू के 2-4 बार में ही पता चल जाएगा, 11th में जाते ही. तो इसीलिए सीख जरूर लीजिएगा, डू नॉट इग्नोर. मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करा रहा हूं फिलहाल कि जो किसी के लिए काम की ना हो, क्योंकि मुझे पता है हमारे इस ग्रुप में आईसीएससी और सीबीएसई दोनों के ही स्टूडेंट्स हैं. चलिए जी, जरा इसको करिए. यस, ओके. फाइंड द रूट्स ऑफ रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. आपके पास है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर. करिए जरा इसको. यस, करना पड़ेगा कोशिश. मैं आपको आंसर बता देता हूं ताकि आपको टाइप ना करना पड़े. तो हमारा जो आंसर आएगा, और जिन लोगों का आ जाए वो मुझे बता भी सकते हैं कि भाई हाँ सर आ गया, 2b/a और b/a, ये आ गया आपके पास b/a. दो आंसर आएंगे, 2b/a और b/a. यस उन्नति, करना है, कर डालो तो अच्छा ही होगा, है ना? नहीं करे बिना भी चल जाएगा, लेकिन फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. अगर नहीं हो रहे हो तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बात नहीं रोहन, कोई बात नहीं, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू. अभी ट्राई करो बस. डन अर्नव गर्ग, वेरी गुड. कोई बात नहीं अनन्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
वेरी गुड गुरशी सभ्युदय. ओके नहीं हो रहा, चलिए फिर शुरू करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. पहला स्टेप वही फॉलो करते, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं भाई. तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए अपॉन ए स्क्वायर बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमारी सिचुएशन बन गई पहला स्टेप. ओके हाँ बेटा, मैंने देख शौर्य लिखा हुआ इधर आंसर ना, देख लो आपका यही आ रहा है. वेरी गुड. ठीक है, तो अब हमारे पास ये है एक्स और टू नहीं है, तो पहले तो टू लाना पड़ेगा. तो टू बाई, अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो अब ये हो गया टू बाई टू. अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि वन ओवर बी अपॉन ए, यहां से बी और यहां से ए और ये एक्स. ठीक है, मैं आराम से एक एक स्टेप करके चल रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी को भी. ठीक है ना, अब ये जो बना ये हमारा सेकंड पार्ट बन गया. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स, ऐसे करके लिख दिया. तो इसका मतलब मुझे b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही क्योंकि जबरदस्ती ऐड किया तो हाथ के हाथ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया उसको. सो नाउ ये पुराने वाला था ही हमारे पास. अब क्या सिचुएशन आ गई, ये जो बना ये मेरा होल स्क्वायर दे रहा है मुझे. तो ये क्या बना, x माइनस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर्ड. कुछ गलती कर दी है हमने लगता. ओ माई गॉड, वी मिस दिस थ्री. दिस थ्री वॉज ऑलरेडी देयर, सो दिस हैज टू बी हियर, दिस हैज टू बी हियर. सो दिस इज माइनस, नाउ इट इज ओके, वी मिस दिस थ्री. ओके ऑलराइट. देखो ऐसा होता है, मेरे मैं भी करता रहता हूं तो मेरे से भी गलतियां होती हैं, तो इसलिए आई एक्सेप्ट कि भाई गलती सबसे होगी, आप बच्चे हैं आपसे भी होगी. ठीक है भाई, तो चलिए अब ये बन गया हमारा, बाकी को उधर भेजा तो ये इसको ओपन किया तो 9b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर और ये माइनस 2b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. एलसीएम ले लेते हैं इधर 4a स्क्वायर, तो ये हो गया 9b स्क्वायर और ये हो गया 8b स्क्वायर और ये हो गया 1 ओवर सॉरी बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर. अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो माइनस 3b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर 2a, ये हमारी सिचुएशन आ गई. और x इज इक्वल टू 3b ओवर 2a और ये प्लस माइनस b ओवर 2a. एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b प्लस b 4b अपॉन 2a. तो एक बार आ जाएगा 4b अपॉन 2a यानी के 2b अपॉन a, और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो 2 3b माइनस b आ रहा होगा और वो हो जाएगा 2b ओवर 2a यानी के b ओवर a. यही आंसर आए थे हमारे. आई होप दिस इज क्लियर. मनन कौन सी पॉइंट पे नहीं आया, देख बेटा फर्स्ट स्टेप ए स्क्वायर कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का, उससे डिवाइड कर दिया तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा. अब हमें 2ab टाइप की फॉर्म बनानी है तो 2 था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहां पे देखो, और उसके बाद ये जो बाकी का बचा ये हमारा हो गया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए. तो हमारे पास एक्चुअली में स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या यहां पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास तरीका होता है. तो माइनस टू ए बी, तो ये है हमारा ए, लेट्स से कैपिटल ए, ये हो गया हमारा जो इसको इसमें दिखा रखा है मैंने, ये हो गया b,
तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और क्योंकि बी स्क्वायर चाहिए तो ये जो हिस्सा है बी स्क्वायर ये हमने ऐड कर दिया, साथ ही में बी स्क्वायर जबरदस्ती ऐड किया था तो माइनस भी कर दिया, और ये तो हमारे पास पहले से ही था। तो पहले की तीन टर्म्स ने मुझे ये होल स्क्वायर दे दिया, बाकी को सबको उधर ले गया, अब तो सीधा फ्रैक्शन का सोल्यूशन है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेप इज उन्नति ऑलवेज डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ सॉरी बाय द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके पास 2ab वाली टर्म है कि नहीं है, नहीं है तो उसको बनाओ और फिर b स्क्वायर ऐड करो, फिर साथ ही साथ b स्क्वायर माइनस कर दो। तो ये सिंपल सा स्टेप है। चलिए फिर अब मुझे लगता है एक क्वेश्चन और आपको दे देना चाहिए मुझे। ओके, जरा ये क्वेश्चन करिए अब ये, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज पे आऊंगा। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, करिए इसको। सबके पास दो मिनट हैं और मैं इसका आंसर साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर है। आईसीएससी वाले बच्चे भी एनसीईआरटी अपनी डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास ये इशू ना हो कि क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के साथ ही एक बहुत बढ़िया बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पलर। वो भी उसी साइट पे ही है एनसीईआरटी वालों की। एग्जाम्पलर अगर आप लोगों ने करनी शुरू कर दी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईसीएससी वाले लोग भी डाउनलोड कर लें, जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं उस चैप्टर्स हैं वो जरूर करें, और मैं अभी फिलहाल सिर्फ कॉमन चैप्टर्स ही करा रहा हूं। आरडी की मतलब अगर आपके पास आरडी है तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई एक होनी चाहिए। पर कई बार होता है ना, जैसे कुछ लोग नहीं ले पाए तो वो एग्जाम्पलर तो फिर भी आप डाउनलोड कर लें, इट्स अ प्रीटी गुड बुक, तो आप उसको करें। ठीक है भाई, ये आईसीएससी सीबीएसई वाले सब बच्चे एग्जाम्पलर तो डाउनलोड कर ही लेना, बहुत बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। अब आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ये आईसीएससी वाले इसको श्रीधराचार्य नहीं बोलते, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, और सीबीएसई वालों में जनरली दोनों ही यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक इस पे आते हैं जी। अब श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये श्रीधराचार्य हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, कोई बता सकता है ए जीरो क्यों नहीं होता? अगर ए जीरो हो गया भाई तो ये पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा, और पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आएगी? तो उन्होंने कहा भैया ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, होल इक्वेशन जीरो नहीं होगी भाई, सोल मॉडल पूरी इक्वेशन में ये थोड़ी है, ए सिर्फ पहली टर्म में, बाकी तो बी और सी है। तो फिर आपकी जब ए जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगी विच इज लीनियर, आई बात समझने? तो इसलिए पहले उन्होंने कहते भैया ए जीरो मत रख देना, ए जीरो कर दिया तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बची। मेरे भाई ने भी सुबह में यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो तूने बताया था पूर्णिमा कि नहीं बताया था? या भाई सोच रहा था कि तेरे को अभी तक पता चला कि नहीं पता है
भाई लोग बदमाश होते हैं ना, बड़े भाई खासकर पूछने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, वेरी गुड। बी कर दिया। अरे तो फिर तो सभी को जीरो ही कर लो, फिर बचे को क्या? अगर बी जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक तो बचेगी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगी तो भी क्वाड्रेटिक बचेगी। मान लीजिए आप सी भी जीरो कर दें तो भी ए स्क्वायर, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी जीरो वाली टर्म नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप खाली सोचो तो तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कंडीशन है, बाकी कर लो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक तो तब भी बचेगा। आई नो सिस्टर्स आर ऑल्सो नॉटी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़े। अब देखो ये, अब अगर आपको अभी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता होगा ना, तो ये आप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला आने वाला है बाबा, अभी शुरू कर रहा हूं। ठीक, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से डिवाइड कर दें, तो हम बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करने वाले हैं। बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाइए इसका, तो ये टू बाई टू बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू जीरो। अब ये चीज हमारी बन गई टू इंटू बी अपॉन टू ए एक्स। अब बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ या ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो जी। देखो बिल्कुल वही स्टेप चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं आया, तो इसीलिए पहले वो कराया था आपको। ठीक है ना, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। उधर क्या गया, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसको ओपन किया तो, और ये माइनस सी अपॉन ए, एलसीएम ले लेते हैं जी, फोर ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए माइनस फोर ए सी। ठीक, तो अब स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास अभी सिचुएशन क्या है, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो क्या बना, प्लस माइनस ये गया रूट में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और फोर ए स्क्वायर का टू ए। अब इसको भी बाकी को उधर भेजा तो ये आया माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, टू ए टू ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपके रूट्स आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गए भाई, ये आपको याद रखना है। और ये जो, अब एक चीज और समझ लो, ये जो चीज है ना, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक्चुअली हम डी लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और डी को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम नेचर ऑफ रूट्स में आएंगे, बस अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि दिस इज ऑल्सो नॉन नोन एज, तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई है जी, ये आप याद कर लें। पूर्णिमा एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, डिराइव करके दिखाओ जी आपको। ठीक है, तो वो नहीं पूछा जाएगा आपसे डेरिवेशन, पर ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, इतना प्यारा है और बहुत आसान है डिराइव करना, तो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। अच्छा, आईसीएससी में जरूर इस पे बेस क्वेश्चन मिलेगा आपको, और आपके यहां भी मिलेगा,
अब देखिए कोई भी इक्वेशन होगी आप सबसे पहले क्या काम करेंगे उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे अलोंग विद दिस साइंस और ये आपको रट्टा होना चाहिए ये या ये कोई भी किसी एक फॉर्म में। अगर ये याद किया तो आपको पता होना चाहिए भैया डी क्या है। और उसके बाद फिर आप देखिए का बेटा डिस्क्रिमिनेंट गुर्शीस मैंने बताया इसको फिर सिर्फ डी अभी बताया है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका यूज क्या है मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा जहां पे हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, बताऊंगा जरूर बताऊंगा, आएंगे उस पे भी। एक बार में एक चीज दी तो बहुत सारी चीजें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारी चीजें एक बार में बता दूंगा पर फिर वो मजा नहीं आएगा, आपको भी दिक्कत आएगी बहुत सारी चीजें इकट्ठे करने में। तो चलिए जी अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, अब आपको पता लगेगा माय गॉड ये फॉर्मूला कितना मजेदार है। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहां पे एग्जाम में स्पेशली लिख के आएगा कि सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और सीबीएसई वालों के लिए ये भी लिखा आ सकता है कि भाई सॉल्व इट बाय आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला काम आपने इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मैंने बिल्कुल नीचे नीचे लिख दिया है तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो a क्या है, वन है, क्योंकि यहां पे a x के साथ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन है। b क्या है, b कितना हो गया माइनस फोर हो गया, मैंने कहा था साइन जरूर ध्यान रखिएगा तो ये नेगेटिव हो गया, और c क्या है टू। अब आप लोग मुझे बता दो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, शौर्य जी कर लेंगे कोई बात नहीं अभी आंसर की नहीं, ये बात समझ में आ गई एबीसी कैसे निकले, आ गया ना देव, हाँ बिल्कुल सही है, बस ये समझ में आना चाहिए ना, देखो बेसिक समझ में आने चाहिए बाकी सब तुम स्मार्ट हो कर लोगे मुझे पता है ना, इश्यू बस ये होता है कि कई बार हम बेसिक ही नहीं समझ पाते कि हो क्या रहा है भाई। चलिए जी अब कुछ नहीं करना, हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, रख देते हैं जी वैल्यू। हाँ बिल्कुल पूर्णिमा जी आएगा क्यों नहीं आएगा, मैं तो अभी सिखा ही रहा हूं ना, आप जो कर सकता है बिल्कुल कर ले आराम से। तो माइनस बी यानी कि ये माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी और डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। देखो भाई मैंने बस सीधे ए बी सी की वैल्यू रख दी है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तो ये आ गया फोर प्लस माइनस ये हो गया सिक्सटीन माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 इज 8 और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना भाई, रूट 8 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 4 यानी कि 2 रूट 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस माइनस रूट 2, यही आया था भाई आप लोगों का, कुछ और आया था बताओ जिन लोगों ने कर लिया था, पूर्णिमा यही आया था आंसर, यस वेरी गुड। नताशा बेटे क्या समझ में नहीं आया, देख बहुत सिंपल है, आपको जो भी इक्वेशन दी जाए उसको आप हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे ये हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उससे कंपेयर कर दे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो देखो ये ऊपर क्या लिखा है वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, ए इज इक्वल टू वन हो गया बी इज इक्वल टू फोर हो गया
और c इज इक्वल टू टू हो गया। ठीक है भाई, अब अगर ये हो गया तो अब हमारा फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, देखो यहां पे ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर फोर ए सी, तो b की जगह माइनस फोर रखा तो माइनस ऑफ माइनस फोर, फिर ऐसे ही बी स्क्वायर तो माइनस फोर का स्क्वायर लिखा है देखो मैंने यहां पे, और उसके बाद फोर ए सी लिखा हुआ है। इसको सॉल्व किया तो ये तो माइनस माइनस प्लस का फोर हो गया, ये प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट होगा एट, एट को मैंने टू रूट टू करके लिख दिया तो ये लिख दिया, टू कॉमन आ गया तो ये टू कैंसिल हो गया, तो टू प्लस माइनस रूट टू हो गए। फोर कहां गया? अच्छा 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 फोर कहां गया, हाँ ये बात तो सही है भाई, फोर कहां गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि फोर कहां गया ना, इधर से टू कॉमन ले लिया मैंने ना, वो मैंने सोचा कि तुम लोग दसवीं में आ गए हो समझ देते हो गए, चलो अभी चला गया फोर, अभी ठीक है। हाँ जी ठीक है, अब अनन्या जी हाँ चलिए जी बहुत बढ़िया शाबाश, कोई बात नहीं अच्छी बात है, सब पूछ लिया करो मुझसे, मजा तभी है, टेंशन नहीं पालना कि भाई ये कहां से आ गया और वो क्यों आ गया, ऑल दो मैं कोशिश यही करता हूं पर कभी कभी मैं बदमाशी भी कर देता हूं ना, मैं सोचता हूं चलो जल्दी से कर ले। ऑलराइट अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन और बताइए, अब आप लोग जरा करिएगा इसको, है ना, अब आप लोगों की बारी, सिंपल मेथड आपको मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन ये लिख लो, 9x² + 7x - 2 = 0 करिए जी, जरा इसको सॉल्व करिए अब आप लोग मेरे पास, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, कंपेयर विद दी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 सो दैट वी कैन हैव दी वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। नाउ माई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला सेज दैट x शुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ऑलराइट, अब मैं इसमें वैल्यूज रखने वाला हूं, तो माइनस बी, बी की जगह 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर और माइनस 4, ए है 9 और सी है माइनस का 2 और ये है 2 × 9। आई होप एवरीवन इज क्लियर कि जो मैं वैल्यूज रख रहा हूं, तो माइनस 7 प्लस माइनस ये हो गया 49 और ये हो गया 72 प्लस का और ये हो गया 18। ऑल राइट, माइनस 7 प्लस माइनस ये कितना हो गया 121। ओके, और 121 का रूट होता है हमारा 11। सो वी हैव, ओके भाग्य भाई, सो वी हैव माइनस 7 प्लस माइनस 11 ओवर 18। तो ये x की दो वैल्यूज चल रही है, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं आप, माइनस 7 प्लस 11 बाई 18 और दूसरी माइनस 7 माइनस 11 बाई 18, तो ये हो गया 4/18 और ये हो गया माइनस 18/18। So, ये हो गया 2/9 और ये हो गया -1, तो ये x की वैल्यूज आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस पूर्णिमा और आयान, गलत आ गया ना भाई, एक आपने कुछ डिवीजन गड़बड़ कर दिया है ना। उन्नति जी आ गया, वेरी गुड। ऑलराइट, तो अब देखो कितना आसान कर दिया इस फॉर्मूला ने, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, उसका तरीका याद है, तो आप बहुत आसानी से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो भाई, बिल्कुल आसानी से। ओके,
तो बोर्ड में एक सवाल पूछा गया एक बार, तो देखें कौन लोग उसका आंसर देता है। कहां पे देव? आपने देखो देव, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि स्कूल में जब भी आपका टीचर देगा या एग्जाम में देगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा। डेसिमल्स में मत जाना, हाँ, लेकिन जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं उनके वो ध्यान रखेंगे, वहां पे ये डेसिमल भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे ये भी कहते हैं कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक लेके आओ या 3 पॉइंट्स तक लेके आओ आंसर, ठीक है। तो सीबीएसई वालों को टेंशन नहीं है डेसिमल निकालने की अगर आपका रूट सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आईसीएससी वाले थोड़ी कमर कस लें, उनको ये पूछते हैं भाई कि कल अर्नव अभी 9th शुरू होने वाली है 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में 9th की फिजिक्स शुरू होगी अब। तो चलिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस दे देता हूं, तो आप उसको जरा ट्राई करिएगा। नहीं पूर्णिमा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप रूट में छोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन आईसीएसई वालों को तो वो पूछ ही देता है, अगर नहीं पूछा तो आप रूट में छोड़ दें, क्योंकि ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। यस अर्नव, आईडी विल बी द सेम फॉर 9th क्लास ऑल्सो, सो आप लोग जो 10th वाले वो भग जाना भाई, नहीं तो कईयों को 15 मिनट बाद याद आती है, अरे सर ये तो 9th की क्लास शुरू हो गई, हमें पता ही नहीं चला है, ठीक है जी। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जरा करिएगा इनको। ए बी एक्स स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स निकालिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपके पास, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पी ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो। सो इनके ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। यस, इसी पे हो गया यान। ऑलराइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही, देन बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, आपको मेंशन कर ही देंगे हम, राइट, बाय।